आगे 60-70 रुपए हो जाएगा, मतलब 22 रुपए का ये 60-70 में आगे सेल होता है। बिल्कुल होता है, रिटेल होगी ना। एक एक कितने का आपसे मिलेगा और आगे कितने का? आपको 22 रुपए का देंगे, रिटेलर कितने का जाएगा? आगे आप बेचेंगे 35 रुपए हो, 30 रुपए हो, 33 रुपए में। कितने डिजाइन के बना रहे हैं आप? तकरीबन हमारे पास ये 4 से 5 डिजाइन होंगे इसके। अच्छा, ये मैं रख के दिखा देता हूँ जी। ये जी इसमें 3-4 मोल्ड चल रहे हैं, खुलते रहे हैं, बंद होते रहे हैं, 1 मिनट की एवरेज नहीं आती पूरी। ठीक है, अगर 1 मिनट की भी एवरेज लगाते हो तब भी अच्छी रोजी रोजी बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान मीर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। आज मैं मौजूद हूँ अलकरम, कराची का एक एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे कारखाने हैं और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्सीलेटर पाइप ये किस तरह बनता है और इसकी कितनी कॉस्ट आती है, आगे कैसे सेल होता है, इसमें कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, कौन सा ये मटेरियल इस्तेमाल होता है, कौन चीज़ें आपको दिखाएँगे, आप मेरे साथ रहे। अगर उससे पहले आपने एयर पाक से हमारा पेज फॉलो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी काम किसी भी फैक्ट्री में जाएँ उसका आपको पता होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ाहिर जी, आपने थोड़ा ऊँचा बोलना है, थोड़ा शोर है, आपकी मशीनें चल रही हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि आप क्या क्या बनाते हैं? हम मुख्तलिफ रेट में बनाते हैं, बाइक के पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं तारिक साहब खड़े हुए हैं हमारे, माशाल्लाह। ठीक है, ग्रिप निकाल रहे हैं बाइक का, सही हो गया। जैसे कि इधर ये लगे हुए हैं, उधर दूसरे साहब लगे हुए हैं। ठीक है, बाइक के फुटरेस बना रहे हैं। सही है, ठीक हो गया। मुख्तलिफ रेट में बनती है हमारे पास। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 18 साल हो गए। 18 साल? जी जी। तो ये मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस मशीन के थ्रू बनाई जा सकती हैं? इस मशीन के थ्रू जितनी मोटरसाइकिल के अंदर रबड़ की एड में बनती है सब बना सकते हैं आप। इसके टाइयाँ लग सकती हैं? जी, जा सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मुझे थोड़ा प्रोसीजर समझाएंगे कि आप पंजाब से ही हैं ना? जी, मुल्तान से हैं। मुल्तान से? अच्छा, मेरे को पंजाबी आती होगी? नहीं, पंजाबी नहीं आती, उर्दू। कितने साल से कराची में? 18 साल हो गए कराची में। ठीक है, अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं कि कहाँ से इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है? सबसे पहले कौन सा दाना वगैरह? सबसे पहले अगर आप ये स्टार्ट लेंगे तो मोल्ड बनेंगे आपके। सबसे अच्छा, पहले ये मोल्ड बनेंगे पहले। ठीक हो गया, दिखाइएगा सर ये मशीन कौन सी है, पहले मशीन का नाम बताइए। ये इसको बोलते हैं सेमी मशीन। कौन सी? सेमी 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 मशीन। अच्छा, सेमी मशीन। ये जी इसके अंदर दाना जो इस्तेमाल हो रहा है ये आसानी से मिल जाता है ना? ये जी जी आसानी से, कराची से मिल जाता है। नोट होने चाहिए बंदे के पास, सब कुछ मिलेगा, पाकिस्तान है। अच्छा, ये दाना है। अच्छा, इसमें फिर मुझे थोड़ा मशीन के बारे में बता दें, कैसे प्रोसीजर होता है ये? बस ये मशीन होगी, आप लेंगे मशीन लेंगे, उसके बाद ये मोल्ड बनाएंगे। ठीक है, मोल्ड बनने के में आपको टाइम लगता है, मशीन परचेज करने में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। मोल्ड के अंदर महीना भी लगता है, 1.5 महीना भी लगता है मोल्ड बनने के लिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, जाते हैं डाई बन के आती हैं, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, फिर मशीन आती है, मशीन के बाद फिर मटेरियल खरीदा जाएगा, मटेरियल के बाद फिर लेबर तलाश की जाएगी। ठीक है, अगर हमारे मुल्क में मिल जाएगी आसानी से तो भाई फिर खड़े हैं, फिर काम शुरू हो जाएगा, फिर ये मजदूर हैं बेचारे अपनी मजदूरी करेंगे, ये अपनी करेंगे और हमारी भी हमें करके देंगे फिर ये इंशाल्लाह। ऐसा ही है। बाकी ये दाना, एक एक्सीलेटर के लिए दाना कितना लग जाता है, कितना वेट होता है उसका? एक एक्सीलेटर का इसका? हाँ, ये तकरीबन सेट मिले बनता है 120 ग्राम का, 150 ग्राम की जोड़ी होती है ये। ठीक है, की ठीक है, 120 ग्राम इसके अंदर, एक के अंदर लग गया है सेट में। ठीक है, क्वालिटी वगैरह इसमें क्या होती है? क्वालिटी इसमें ए भी होती है, बी भी होती है, सी भी होती है। हार्ड है कि नरम है? इसके एक उल्टे हाथ का, एक सीधे हाथ का, इसके अंदर हम पाइप लगाएंगे। अच्छा, एक्सीलेटर वाला पाइप लगेगा। ठीक है, फिर ही गाड़ी में ये लगेगा, एक हार्ड और ये एक छोटी सी है। जी, इसमें पाइप लगेगा, ये भी हार्ड हो जाएगा ना, ये घूमता है। ठीक है, ये घूमेगा नहीं, ये सिर्फ लगेगा। हाँ, इसलिए मोटरसाइकिल जो है। हाँ जी, हाँ जी, निकलेगा नहीं चाहता। अच्छा, एक मोड ये कितने टाइम में तैयार हो जाता है? इसकी टाइमिंग आपके सामने 1.5 से 2 मिनट में तकरीबन, मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर फोकस करें अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी इसका सबसे पहले यहाँ से ये इसमें मशीन कौन सी और कितने की मिल जाती है यहाँ मार्केट से? भाई, मशीन के रेट मुख्तलिफ हैं, 1.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है, 3.5 लाख रुपए तक मशीन जा रही है। ठीक है, इसके अंदर जो पार्ट बनेंगे बाइक के, हाँ, मुख्तलिफ आइटमों के हिसाब से मशीन, छोटे आइटम बनेंगे तो छोटी मशीन पे लगेंगे, बड़े बनेंगे तो उससे बड़ी मशीन पे बनेंगे। ठीक है, जैसे कि हॉर्स पाइप बनेगा वो उससे बड़ी मशीन पे बनेगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की माली से लेकर 3.5 लाख रुपए की माली तक की मशीन है सेमी। अच्छा जी, ये यूज़ मिल जाती है ना हमें? यूज़ में। ठीक है, यूज़ ही होती है ये, मकसद है, मिल जाती है आसानी से, मिल जाती है। ऑर्डर भी देंगे तो आपको 10 दिन में मशीन मिल जाएगी। एक दिन में कितना बना लेते हैं ये?
एक दिन में कारीगर बना लेता है तकरीबन 1000 पीस निकाल लेता है। ये फोकस अगर रखिएगा, जरा दिखाइएगा किस तरह ये बन रहे हैं, एक टाइम के कितने टाइम में एक ये बन जाते हैं एक्सेलरेटर पाइप। ये जो बना है ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 मिनट ले लेंगे, मिनट नहीं लगता। अच्छा, 3-4 मोल्ड चल रहे हैं, खुलते रहे हैं, बंद होते रहे हैं, 1 मिनट की एवरेज नहीं आती पूरी। ठीक है, अगर 1 मिनट की भी एवरेज लगाते हो तब भी अच्छी रोजी बन जाती है। आप कौन सी कंपनी के बना रहे हैं? हम हाई स्पीड में भी काम करते रहे हैं, अभी तो फिलहाल कंपनी है, जैसे लॉकडाउन लगा है मामला सारे डोर हो गए, सब बंद हो गए हैं। अब मार्केट कर रहे हैं हम टोटल। ठीक है, मार्केट में पंजाब कर रहे हैं, पिशावर पिंडी कर रहे हैं, ठीक है, लाहौर कर रहे हैं, ठीक है, कराची की मार्केट कर रहे हैं, मुल्तान हमारा अपना शहर है, हमारी जान है, उस जगह पे भरपूर माल देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास वहाँ पे पार्टी है माशाल्लाह। ठीक है, उसके साथ हम लगे हुए हैं। तो ये एक कितने का कॉस्ट करता है, ये रामदील कितने का एका पड़ता है, दाना कितने का होता है, दाना कितने का लगता है, कितना एक पीस के अंदर दाना जो लग रहा है भजन? अब वो तो फिर बहुत किसी तरह चले जाओगे आप यार, अब सिर्फ ये देखो कि कितने का बेचना है। अच्छा, बेचने तक हम समझ में आती है, हम इतनी पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये कितने का मुझे मिलता है आपसे? ये आपको अगर हम देंगे ना, एक मिसाल है कि 2200 रुपये का ये आपको देंगे, तो ये आप आगे जाके 2400 रुपये का बेचेंगे, आपको 2 रुपये मिलेंगे बनाया लेने में। ठीक है, बनाएंगे उसके अंदर फिर 1,00,000 रुपये लगाएंगे और टाइम ज़्यादा करने के बाद आप बचत की शक्ल पर आएंगे। ठीक है, फौरन दुनिया आएंगे। आपने 50 लाख आपसे लिया, आगे से आपसे होलसेलर खरीदता है, वो कितने का खरीदेगा? 22 रुपये का। उससे आगे अगर वो आगे रेलर वो भी 2 रुपये अपने रखेगा, उससे आगे वाला 2 अपने रखेगा, फिर रिटेल में पहुँचेगा, रिटेल में जाके 60-70 रुपये हो जाएगा। मतलब 22 रुपये का ये 60-70 में आगे सेल होता है? बिल्कुल होता है, रिटेल होगी ना, एक एक पीस बिकना है। हमने क्वान्टिटी बेचनी है, ये देखो ये कंप्लीट है। अच्छा, ये इसमें पाइप लगा हुआ है जो आप कह रहे हैं नरम है, ये इसके अंदर पाइप लगा हुआ, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट है। ये क्वालिटी अच्छी होगी आपकी? ये ए क्वालिटी है, इसमें बी भी होती है, सी भी होती है। हमारे पास ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है ना, ये होंडा का आ गया, ये दूसरी गाड़ी का आ गया जी, ये 125 का आ गया। अच्छा, मुख्तलिफ डिज़ाइन है ये। ठीक है, ये आप मुख्तलिफ कितने डिज़ाइन के बना रहे हैं आप? तकरीबन हमारे पास ये 4 से 5 डिज़ाइन होंगे इसके। अच्छा, ये मैं रख के दिखा देता हूँ जी, ये जो इसमें मुख्तलिफ बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेट वगैरह कितना होता है? इसका भी तकरीबन कोई जो है ना, ये 100 ग्राम का वेट होता है। आप थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो ये दिखाइए कि कैसे बनता है, ये कितने टाइम में एक बन जाता है? 1 से 1.5 मिनट में। एक से एक मिनट से 1.5 मिनट में। तो इसका वेट कितना मिलता है? 100 ग्राम। 100 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, तो इसकी भी दाना कितना लग जाता है? इसको भी इतना ही लगता है? जी, इतना ही लगता है। ठीक है, तो ये कितने का पड़ता है और आगे कितने का सेल हो जाता है? ये भी भाईजान 20 रुपये का शर्ट पड़ेगा। ठीक है, आपने जाके आगे देना तो 21 रुपये में लेके जाएगा, 21 रुपये में 22 रुपये में आपसे लेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना, ये इसका मटेरियल है, ये सेम होता है, वही है, मुख्तलिफ है थोड़ा। ठीक है, ये पावर रखने वाला, इसको थोड़ा हार्ड में चाहिए होता, चमक चाहिए होती, हार्ड चाहिए होता, कोई स्कूल की रिक्वायरमेंट करता है, कोई चमक की करता है। ठीक है, हर आदमी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये मशीन कितने की आती है? ये मशीन भी उतने की, ये भी उतने की, इसमें भी डाई लगी हुई है, वही सेम मशीन है जी। ठीक है, ये मशीन जो देख रहे हैं ना, अभी मशीन 2-2 लाख रुपए की मशीन है ये जो खड़ी हुई। ठीक है, जो इससे बड़ी मशीन होगी 3.5 लाख रुपए तक जाती है। सही है, 1.5 लाख रुपए में भी है। ठीक है, तब 2 लाख में भी, मतलब जैसी आइटम मुझे बताएं, अगर कोई आना चाह रहा हूँ, हम लोग किसी का खड़े हैं, कोई आ सकता है आपके यहाँ विजिट कर सकता है? समझा नहीं, कोई विजिट कर सकता है यहाँ पे आपके कारखाने का, कोई अगर कोई बंदा आना चाह रहा है? बिल्कुल आए। तो किसी का हम लोग खड़े हैं जी? ये एड्रेस क्या है इसका मुकम्मल? इसका मुकम्मल एड्रेस है अलकरम स्क्वायर ब्लॉक 3 कराची में। कराची अलकरम स्क्वायर ब्लॉक 3। ठीक है, ये 1 से लेकर 4 तक अलकरम चल रहा है। ठीक है, आप 3 ब्लॉक में खड़े हैं। ठीक है, ये कितने का आपसे मिलेगा और आगे कितने का? हम आपको 22 रुपये का देंगे। रिटेलर कितने का जाएगा? आगे आप बेचेंगे 2 रुपये रख के बेचेंगे, क्योंकि आप भी होलसेलर हैं, आप रिटेलर थोड़ी हैं। आपसे जो आगे लेके जाएगा वो रिटेल में बेचेगा, वो बेचेगा आगे 35 रुपये हो, 30 रुपये हो, 33 रुपये में। अभी आप यहीं से एक अंदाज़ा लगाना, आप रिटेल की इसी दुकान पे जाएंगे, बाइक जहाँ पे रिपेयरिंग हो रही होगी ना, आप उस दुकान पे जाके आप वहाँ पे उसको बोलने आ रही है, एक छोटा बार मुझे शर्ट दे दो, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने का देगा आपको। असल प्रॉफिट रिटेल में हो। आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा, अब आपने मेरे देखने वाला मुल्तान वाला और बाकी सबको मुहब्बतें देनी है इंशाल्लाह। तो जी साहब, जैसे आज का रिव्यू था, मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा था कराची शहर से, ये किस तरह बनते हैं और ये कितने का कॉस्ट करता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी हमारे भाई बहन का भला हो सके। जुड़े रहिए पाकिस्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।